But straight away get to the video of the seminar hall of Arjakar Hospital, which is doing rounds of social media. The video is of hours after the discovery of August 9th rape and murder of the trainee women medic. The video has just hinted of contamination of crime scene. After day-long speculation, the police have responded by saying that they have cordoned off the area and the relevant portion of the hall. The police have also assured that proper procedures have been followed to preserve the evidence and ensure thorough investigation. Well, the visuals on your screen can be seen of that viral video that is doing rounds of social media and also raising concerns on if the crime scene was intended to be dismantled. Joining me on the broadcast, viewers, is my colleague Renick. रेनिक, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं अब सेमिनार हॉल की जो ये वीडियो है ये सामने आई है, ये काफ़ी सवाल उठाता है और इस बात पे कॉन्टिन्यूसली डिबेट हो रहा है कि जो भी सेमिनार हॉल जो क्राइम सीन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए प्रोटेस्ट भी हुए, मॉब इकट्ठा हुआ और किस तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के जो एफर्ट्स लग रहे हैं उस पर और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे काफ़ी सवाल उठाता है। तो जो ये वीडियो हम देख रहे हैं इसके बारे में डिटेल शेयर करिए। एकदम, देखिए ये पूरा जो वीडियो है, ये वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल आता है। एक तरफ सवाल आता है क्या एविडेंस टेम्पर किया गया था, दूसरी तरफ सवाल आता है क्या जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उनको सिक्योर किया गया था, तीसरे सवाल आता है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से क्या किया गया था, कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन उसमें कोई लैक है कि नहीं। क्योंकि पहला ये जो वीडियो, ये वीडियो का अगर डिस्क्राइब किया जाए तो ये 9 तारीख सुबह यानी 9 अगस्त सुबह जिस दिन ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था उस दिन का वीडियो है। कौन से जगह का वीडियो है, जिस जगह में से ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर में जो सेमिनार हॉल जिस जगह से डेड बॉडी रिकवर किया गया था उस जगह का तस्वीर है ये वीडियो। और ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सेमिनार हॉल के अंदर करीब 25 से 30 लोग उधर मौजूद है और जिस जगह को सिक्योर करना चाहिए था यानी जिस जगह में से डेड बॉडी रिकवर हुआ है, डेड बॉडी मिला है, उस जगह में लोग जाना मना होना चाहिए, मगर उस जगह में 25 से 30 लोग उधर मौजूद है। ये एक सवाल आता है कि इसी जगह को सिक्योर पुलिस की तरफ से क्यों नहीं किया गया था। दूसरी तरफ ये तस्वीर से 2-3 जो चेहरा, वो जो चेहरा वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का लोग नहीं है ऐसा बात भी सामने आ रहा है। क्योंकि इस तस्वीर में 3-4 लोग को जो दिखा दे रहा है जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो पुलिस आउटपोस्ट उनका जो ओसी वो भी उधर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तीन लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में से एक सवाल पैदा करते हैं कि किस तरीके से वो उस जगह में पहुंचे। पहला तो है शांतनु दे ग्रीन शर्ट पहन के जो लोग खड़े हैं उनका नाम है शांतनु दे कौन है? शांतनु दे है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल जो संदीप घोष का करीबी और प्रोफेशन वो एक एडवोकेट है। तो एक एडवोकेट उस जगह में क्या कर रहा था ये सवाल आता है। दूसरा आता है नेशनल मेडिकल कॉलेज का डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रशुन चैटर्जी जो कि रेड शर्ट पहन के उधर खड़े हैं। प्रशुन चैटर्जी नेशनल मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। वो उतने 9 तारीख सुबह जब वो उनका नेशनल मेडिकल कॉलेज में रहने का बात था उस टाइम में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो क्या कर रहा था ये सवाल आता है। तीसरा सवाल आता है देवाशीष शोम के खिलाफ में सीबीआई का एंटी करप्शन विंग उनके तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनके घर में छापामारी भी किया गया और उसके साथ साथ देवाशीष शोम को कल 4 बजे तक पूछताछ भी किया था सीबीआई ऑफिशियल। वो देवाशीष शोम उधर मौजूद है, उनका जो प्रोफेशन है वो एज प्रोफेशन फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड है। तो इसी जगह से सवाल आता है ये तीनों का उस जगह में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो लोग 9 तारीख सुबह जिस टाइम में ये डेड बॉडी मिला है उस टाइम में सेमिनार हॉल के अंदर क्या कर रहा था, क्या संदीप घोष के साथ उनका क्या बातचीत हुआ था कि उस वजह से वो लोग उधर आए थे, क्यों संदीप घोष के साथ उन लोगों का बातचीत हो रहा था और क्या कर रहे थे वो लोग, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ये पूरा घटना के बाद
सेमिनार हॉल जिस जगह में यह घटना घटा है, जिस जगह में डेड बॉडी रिकवर हुआ है, उस जगह को सिक्योर करना पुलिस का जिम्मेदारी होता है। मगर पुलिस की तरफ से उस जगह को क्यों सील नहीं किया गया था? क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी कहा गया था जो एविडेंस है वो एविडेंस को टेम्पर करने का कोशिश किया गया है, और जो फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट किया गया है वो सैंपल भी सफिशियंट नहीं है और ठीक ठाक सैंपल भी कलेक्ट नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत हो रहा है, ऐसा सीबीआई की तरफ से बयान दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल आया था कि जो एविडेंस है वो एविडेंस को टैम्पर करने का कोशिश कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। इस तरीके का बात सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया था, और जो विक्टिम का परिवार है और स्टूडेंट की तरफ से जो वकील था उनकी तरफ से भी ये दावा रखा गया था। इसी जगह से ये वीडियो एक सवाल उठाता है, क्या सही तरीके से जो जगह इसको सिक्योर किया गया था, क्या उधर से जो एविडेंस मिला है वो एविडेंस सही है? क्योंकि आप तस्वीर में देखेंगे जो भी लोग उधर मौजूद है सबके पैर में जूते हैं, और जूता पहन के अगर वो लोग घूमेगा उधर चलेगा तो उधर जो फुटप्रिंट है जो जिसका लिए 3D स्कैनिंग किया जा रहा था सीबीआई के लिए, वो फुटप्रिंट कितना परिमाण फुटप्रिंट मिल सकता है, और अगर इतना परिमाण फुटप्रिंट मिलेगा तो कौन आरोपी है वो किस तरीके से समझ में आएगा, ये एक सवाल आता है। कल कोलकाता पुलिस की तरफ से एक प्रेस मीट किया गया था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.